जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये है जी दुबई, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में। और सीन कुछ ऐसे हैं कि दुबई में शाम का वक्त अक्सर खुशगवार हो जाता है, क्योंकि ये समंदर किनारे वाक़ है तो शाम अक्सर खुशगवार हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं ज़रा एक छोटे से मामले को एड्रेस करना चाहूँगा, बल्कि मामला नहीं कहूँगा, इसको स्लोगन कहूँगा जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी है। और वो ये कि अपना मुल्क अपना होता है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और उससे इत्तफाक करता हूँ, अपना मुल्क अपना ही होता है। पर सवाल ये है कि जिस मुल्क में आप और मैं रह रहे हैं, क्या वाकई वो हमारा है? क्या 75 साल पहले जब कायद आज़म ने यह मुल्क आज़ाद किया था तो क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद हुए थे? और अगर आज़ाद हुए थे तो 70-71 में बांग्लादेश ने किससे आज़ादी ली थी और क्यों ली? खैर ये बहस लंबी हो जाएगी, वापस से बात करते हैं दुबई की। दुबई हमारे रावलपिंडी से भी रकबे में और आबादी में छोटी रियासत है, मगर इसकी सालाना आमदन हमारे पूरे मुल्क से ज़्यादा है, बल्कि कई सौ गुना ज़्यादा है। हमारे मुल्क में ज़्यादा हुआ तो 5 से 10 नेशनलिटीज़ रहती हैं, जबकि दुबई में 196 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ आबाद हैं और सब आपस में मिलजुल के अमन सुकून के साथ रहते हैं, जबकि हमारे मुल्क में 4 फिरके सुकून से नहीं रह पाते। वजह सिर्फ यही है कि कानून अशराफिया के घर की लौंडी बनी हुई है, और यही अशराफिया जब दुबई में आते हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं होती कि ट्रैफिक का एक सिग्नल भी तोड़ सकें। यानी दुबई का एक ट्रैफिक का सिग्नल हमारे पूरे मुल्क के कानून से ज़्यादा ताकतवर है। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं बांटना चाहता, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सियासतदान और फ़िलासफ़र बन चुका है। तो ज़्यादा बहस मुबाहसे में नहीं पढ़ूंगा और वापस से अपने मुद्दे पर आऊँगा कि जो लोग सुबह शाम इस झूठे नारे का विरोध करते हैं कि अपना मुल्क अपना होता है, उनके लिए सिर्फ मेरा एक ही जवाब है कि मैं 30-31 साल का हो चुका हूँ और दुबई आई हुई मुझे 1.5 साल हुआ है। मैंने 1.5 साल में जितना कमाया है और लाइफ को इन्जॉय किया है, उतना मैंने 30-31 साल में पाकिस्तान में नहीं किया। तो जो कहने वाली असल बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जान, अपनी मेहनत और पसीना इस मुल्क के लिए बहाया, और बदले में मुझे ना गैस दी जाती है, ना बिजली दी जाती है, ना सड़कें दी जाती हैं, ना जान की हिफाजत है, ना माल की हिफाजत है। तो फिर ऐसे में एक ही नारा कहना बनता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वामखा इसमें। ये सब कहने के बाद आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मुझे गद्दार वतन ना कहिए। ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी साकी। मेरा अब भी ये मानना है कि जितना पोटेंशियल हमारी ज़मीन और हमारे नौजवानों में है, इतना किसी सरजमीन और नौजवानों में नहीं। काश हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती हो और सबको यकसा मौके फराहम किए जाएँ, तो हमारा मुल्क आबाद हो जाएगा, रोशन हो जाएगा और अपना मकाम हासिल कर लेगा जिसकी हम उमंग करते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ अपनी रुदात को समेटता हूँ और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और हम सब पाइंदाबाद। अल्लाह।